जय जोहार संगवारियों, मैं हरीश, आप देखते हैं हरीश पटेल लॉक्स। आज है 3 अक्टूबर 2024, यानी आज से शारदीय नवरात्रि जो है प्रारंभ है 2024 के। तो आप सब नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी की कृपा आप मन सब ऊपर बने रहे। हमारे गाँव में दो जगह बैठे दुर्गा, एक हमारे घर के सामने जस्ट, ये आप दिखा देते हैं, एक घर है जस्ट सामने जो है दुर्गा पंडाल लगे हुए है, अभी पूरा सजे नहीं है, शाम तक पूरा सज जाए। और आप मन शुभकामनाएं मुझे देना चाहता था, आप मन जो है नीचे कमेंट कर सका था बदला में। और एक था ओकर बैठे दुर्गा जो कि ओकरा सजा था लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप मैंने देखा था दुर्गा पंडाल के जो है पंडाल के व्यवस्था कैसे टाइप की हुए, और शाम तक कंप्लीट हो जाए और बाद दुर्गा बैठी आप मैंने देखा था साहेब। तो ये है दुर्गा पंडाल और ये हमारे घर, ये घर के सामने जस्ट बैठते हैं, हम दरवाजा खोलते नहीं थे तो माता रानी के दर्शन होते। एक बैठी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुए हैं, आ ही समिति वाला मन ओकर बाद सबला सजा ही कहीं कुछ करी, शाम तक जो है माता रानी बैठी 9 दिन भर। तो ये हरे मंच जहाँ दुर्गा माता बैठी शाम तक कंप्लीट हो जाए, अभी आस्ते व्यस्त दिखा भले लेकिन शाम तक कंप्लीट हो जाए। और हर साल शारदीय नवरात्रि में हमारे गुरुवर जी के सिद्धाश्रम धाम में, शक्तिपुत्र जी महाराज के सिद्धाश्रम धाम में, हर शारदीय नवरात्रि के आखिरी नवरात्रि के 3 दिन यानी कि ई जो है नवरात्रि के 10, 11, 12 अक्टूबर के जो है शिविर होने वाला है, जो कि हर साल होते हैं नवरात्रि के आखिरी दिन में 3 दिन रहते हैं। और शिविर में बहुत ज़्यादा भक्त मन जाते, मतलब गुरु भाई मन, गुरु बहन मन, तो आप मन जा सका था, लाभ ले सका था, बहुत ज़्यादा वहाँ के फ़ायदा होते 3 दिन में जो आप मतलब कहना चाहिए कि मिलते जो शक्ति चेतना और एक ठन गुरुदेव की शक्ति, वो आप मतलब कहीं नहीं मिल सके, वो सिर्फ सिद्धाश्रम धाम में मिल सकते। तो आप मतलब बताता हूँ और दिखा देता हूँ। तो ये है पोस्टर गुरुदेव जी के, शक्ति चेतना जन जागरण संकल्प साधना शिविर, जो कि 10, 11, 12 अक्टूबर 2024 के है। तो मैं अपन देख सकता था धार्मिक आस्था के एकमात्र केंद्र बिंदु एवं विश्व की धर्म दूरी के रूप में स्थापित पावन धर्म पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम यानी कि सिद्धाश्रम धाम गुरुदेव के आश्रम में प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्र पर्व पर आयोजित होने वाले त्रिदिवसीय विशाल शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का लाभ अवश्य ले, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। गुरुदेव जी के नाम है श्री शक्तिपुत्र जी महाराज, आप सिद्धाश्रम या तो BMS के अपन अगर वो सर्च करूँ BMS के भगवती मानव कल्याण संगठन, तो आप गुरुदेव के बारे में जानकारी मिल जाएगी। छबीलाल पैकरा भैया हमारे जो है अध्यक्ष है भगवती मानव कल्याण संगठन के, तो ये नंबर में भी संपर्क कर सकता हूँ। तो नवरात्रि के दिन एक काम होते हैं हमन के, हमन जो है ध्वज लगाते हैं, माँ के ध्वज वही चेंज करना रहते हैं हर नवरात्रि में। तो अभी नवरात्रि पर चाचा दी ध्वज वाला चेंज कर आपने देखा था ध्वज कितनी गलत रहते हैं। अभी हमारे घर है ये, तो ये ध्वज अभी चेंज करना है, चैत्र नवरात्रि में भी चेंज करते हैं हमन। तो ये रही ध्वज, ये निकाल लेते हैं, पुराना हो गया और ये चेंज कर वो। ध्वज लग चुके हैं, दे यह उपास नौ दिन के ज़्यादा नहीं सुने हमन को खाद नहीं सुने सब जन खाए गए लैका मन खावे हमारा प्रसाद मिल स्पेशल प्रसाद नहीं दे।
तेदे हमर नारियल दिस है हमर पंडा बाबा हा नगो नन अब देख केला दे प्रसाद के रूप में पर ओमा चढ़ाई से पूजा के बेरा तेला कसो दिखा था बढ़िया दिखा दे मस्त दिख रहा है।